लोग जो पोलिनोमियल है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए आज हम लोग देखेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। ठीक है, बहुपद के शून्यक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ओके, ठीक है। अच्छा, तो देखिए बहुपद को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो करते हैं पी एक्स से। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए, माना कि क्या पी एक्स एक बहुपद है। ठीक है, मान लेते हैं कि यह एक बहुपद है। ठीक है, तो एक्स बराबर, एक्स का कोई मान हमारे पास ऐसा मिलेगा जिस पर पी एक्स का मान जीरो हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर ए को पी एक्स का शून्यक कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, यदि पी ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी पी एक्स एक बहुपद है, आप एक्स का मान ए रख दिए। ठीक है, एक्स के स्थान पर आप ए रखे और फिर पी ए का जो मान था वो जीरो आ गया, तो हम लोग एक्स बराबर ए को क्या बोलेंगे कि ये बहुपद का शून्यक है। ठीक है, काफी आसान है। ठीक है, अच्छा देखिए इसी को रूट भी कहते हैं। ठीक है, मूल क्या होता है ये समझ लीजिए। हाँ, तो मूल होता है समीकरण का, याद रखिएगा। ठीक है ना, जब बहुपद का बात करते हैं तो शून्यक का बात करते हैं, और अगर हमको मूल का बात करना है तो समीकरण। ठीक है, तो देखिए समीकरण के मूल, ठीक है, मूल का मतलब क्या था, रूट्स। ओके, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ओके। जैसे देखिए मान लेते हैं, माना कि क्या है, जो आपका इक्वेशन दिया हुआ रहेगा ना, तो वो कैसा रहेगा, मान लीजिए वो, मान लीजिए है आपका ऐसा क्यू एक्स बराबर जीरो। ठीक है, अगर आपका इधर कोई एक्स में सब में जो है बहुपद है, या बहुपद नहीं भी हो सकता है तब भी वो समीकरण होगा। ठीक है, और इधर आपका अगर जीरो है, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कुछ भी एक्स का वैल्यू है या एक्स का कोई फंक्शन है, और इधर आपका क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये एक समीकरण कहलाता है, एक समीकरण है। ठीक है, ओके। तो इसमें जब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स का मान ए रखेंगे, ठीक है, तो एक्स बराबर ए को क्यू एक्स इक्वल टू जीरो का मूल कहेंगे, रूट कहेंगे। कब कहेंगे, यदि क्यू ए बराबर जीरो। ठीक है, तो देखिए समझना है, इसमें भी पी ए जीरो था, इसमें भी क्यू ए जीरो है, लेकिन ये समीकरण था, तो समीकरण क्या हुआ, आपका बैलेंस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, मूल, रूट कहेंगे। ठीक है, और अगर बहुपद का बात होगा तो क्या कहेंगे, शून्यक। तो काफी छोटा सा बात है, आपको याद रखना है कि शून्यक जो होता है उसको कहते हैं जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। ठीक है, काफी सिंपल है ना। शून्यक वह मान है अचर का, ठीक है, अचर का वह मान है शून्यक जिस पर बहुपद शून्य हो जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हाँ हमारा क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए x प्लस टू, ये एक बहुपद है, एक बहुपद है। ठीक है, अच्छा x की जगह पे आप रख दीजिए माइनस टू। ठीक है ना, तो x इक्वल टू माइनस टू रखने पर, अगर हम x का मान माइनस टू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये टू टू कट जाएगा तो जीरो हो जा रहा है, तो बहुपद का मान क्या आ जा रहा है, जीरो। ठीक है, अतः क्या बोलेंगे, अतः जो माइनस टू है आपका, x बराबर माइनस टू क्या है, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इसका जैसे आसान तरीका क्या है,
तो अगर हमको शून्य पता करना है तो हम डायरेक्ट इसको जीरो कर देंगे, यानी इसको हम समीकरण में ले लेंगे, ठीक है। तो अगर आप समीकरण में लेंगे तो कैसे लेंगे, x प्लस टू को आप कर देंगे जीरो, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा, टू को इधर कीजिएगा तो माइनस टू, तो खुद ब खुद आपको इसका शून्यक मिल जाएगा कि x बराबर माइनस टू क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। तो शून्यक निकालने का आसान तरीका क्या है कि आप बहुपद से समीकरण बना लीजिए। समीकरण बनाने का अर्थ क्या है, उसको बराबर जीरो कर दीजिए, ठीक है। तो जो x का मान मिलता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बहुपद का शून्यक बोलेंगे, ठीक है। काफी आसान है, आइए हम लोग कुछ अब चैप्टर कर लेते हैं, जो चैप्टर है हमारा, ठीक है। देखिए क्या है चैप्टर, एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 2.2, ठीक है, ओके। 2.2 इस एक्सरसाइज को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी आपको देखिए, आपको यहाँ पे ये बहुपद दिया हुआ है और इसका मान ज्ञात करना है, जब x बराबर जीरो होगा, x बराबर माइनस एक होगा, x बराबर दो होगा, ठीक है। ये तो काफी आसान है, एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, ऐसे कर लीजिए, माना कि पी एक्स मान लेते हैं, ठीक है, किसको, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो फर्स्ट में बोलता है x बराबर जीरो, अगर x बराबर जीरो रखा जाए तो p जीरो हो जाएगा, ये x की जगह पे जीरो डाल दीजिए, जीरो जीरो स्क्वायर 3, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, क्या बचा, 3, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये तो काफी आसान है ना। मान लीजिए आपको सेकंड नंबर के लिए माइनस वन पे मान निकालना है, तो x के स्थान पे माइनस वन रखिएगा, तो यहाँ पे 5 माइनस वन माइनस 4 माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये माइनस 5 हो गया, माइनस वन का स्क्वायर 1 होता है तो माइनस 4 प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या आ जा रहा है आपका, माइनस 9 और प्लस 3 क्या, माइनस 6 आएगा। इस तरीके से आप जो थर्ड वाला है x बराबर 2, इसको खुद से निकाल लीजिए, ठीक है, इसी तरीके से। तो काफी आसान है क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी इसी तरीके से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 2 का बुक है, आपके पास बुक से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे मैं कोई एक बना देता हूं, ठीक है, सपोज कीजिए हम लोग सेकंड नंबर ले लेते हैं, क्या है, पीटी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है, और आपको निकालना है पी जीरो, बोलता है पी जीरो निकालिए। तो पी जीरो का मतलब क्या है कि टी के जगह पे जीरो रखेंगे, तो 2 प्लस यहाँ पे जीरो, 2 जीरो का स्क्वायर, जीरो का क्यूब, ये सब तो सारा जीरो हो गया, तो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। फिर पी वन निकालना है, तो पी वन निकालेंगे तो क्या होगा, जहां जहां टी है वहां पे 1 रखेंगे, तो 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये 1 1 आपका प्लस माइनस कट गया, तो ये 2 है, ये भी 2, 4, ठीक है। इसी तरीके से आपको पी टू निकालना है, तो 2 टी की जगह पे 2 रखिए, 2 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, ठीक है। अब देखिए का तो इसका पावर जुड़ जाएगा, तो ये भी 2 का पावर 3 है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो 2 2 क्या हो गया, 4। इस तरीके से आप देखिएगा तो आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप मान डाल करके निकाल लीजिएगा, काफी सिंपल है ये, आपको खुद से कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर जो है उसमें आपको बोलता है कि सत्यापित कीजिए, ठीक है, बोलता है सत्यापित कीजिए कि जो दिखाया गया मान है वो निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यानी जैसे ये बहुपद आपको दिया हुआ है, तो ये जो बगल में जो मान है x का माइनस एक बटा का 3, तो इसको दिखाना है कि इसका शून्यक है। तो काफी सिंपल है, इसको यहाँ पे रख के देखेंगे x के जगह पे, अगर इसका मान 0 आ गया तो ये शून्यक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मान पे चेक करना है, यहाँ पे भी एक मान पे चेक करना है, इसके लिए 2 मान पे चेक करना है, x बराबर 1 पे और x बराबर माइनस 1 पे, ठीक है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आइए मैं इसका बना देता हूं। जैसे एक देखिए,
क्वेश्चन नंबर बनाते हैं हम लोग, थ्री कट सेकंड। क्या है आपको गिवेन दिया हुआ है, पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, ठीक है, और बगल में x का मान दिया हुआ है 4/5, 4/5, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे ये मान डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 4/5 और माइनस पाई, 5 5 कट गया, क्या आ गया 4 माइनस पाई, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे हमारा जो आया है तो ये क्या जीरो है, सो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो ये मान इसका जीरो नहीं आया, तो अगर जीरो नहीं आया तो ये इसका शून्यक होगा, शून्यक नहीं होगा, इसलिए कि शून्यक होने के लिए क्या होना जरूरी है, जीरो होना जरूरी है, ठीक है, कि जो आप मान निकाले हैं वो आपका मान क्या आ जाए, वो आपका मान जीरो आ जाए, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड किए हैं, थ्री का सेकंड में क्या है, ये बोलेंगे ये मान इसका शून्यक नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये जीरो नहीं आया, ऐसे कर सकते हैं आप, नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, एक्स बराबर 4/5 पी एक्स का शून्य नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको आप कीजिएगा तो उसमें जीरो आ जाएगा, तो वो शून्य होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर मान लीजिए थ्री, देखिए थ्री में क्या दिया हुआ है आपको, पी एक्स का मान दिया हुआ है x² - 1, ठीक है, और बगल में x का मान है 1 और -1, ठीक है। पहले आप 1 रखिए, x का मान अगर 1 रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p1, x के स्थान पर 1 डाल दीजिए, 1² - 1, 1² 1 - 1 0, ठीक है। फिर आप p-1 निकालिए, p-1 निकालेंगे तो फिर से -1² - 1, -1² 1 होता है, -1, ये भी 0 आ गया, दोनों स्थिति में 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, यहां पे आप लिख देता हूं, देयरफॉर लिख बोलेंगे x = 1 - 1, दोनों क्या है, पी एक्स के शून्य है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से आइए हम लोग कुछ और भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 को ऐसा ही बनाइए, 5 भी आसान है, ठीक है, 6 को भी बनाइए आप, आसानी से बनेगा। 6 में देखिए क्या दिया हुआ है, 6 में आपको दिया हुआ है px = lx + m, और बगल में x दिया है -m/l, ठीक है। इसको इसमें डाल दीजिए, तो डालेंगे -m/l, तो चूंकि p का वैल्यू x के स्थान पे -m/l, क्या आ जाएगा, l x के स्थान पे -m/l + m, ll कट गया, -m बचा + m, ये भी आपस में कट जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो आ रहा है। तो अगर इसका वैल्यू जीरो आ रहा है, यानी ये क्या है आपका शून्यक है, ठीक है। देयरफॉर इसलिए x बराबर क्या, -m/l क्या है, px का शून्यक है, क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको प्रयास करते जाना है, जैसे क्वेश्चन नंबर मान लीजिए आपका 7, देखिएगा 7 में क्या दिया हुआ है, 7 में दिया हुआ है px = 3x² - 1, और बगल में 2 मान दिया है, एक ये और एक ये, ठीक है। पहले ये डालते हैं, तो p का आप -1/√3 डालेंगे तो क्या आएगा, 3 - 1/√3² - 1, ठीक है, x के स्थान पर रख दिए। अच्छा, अब देखिए -1² तो प्लस हो गया, और रूट का स्क्वायर से आपका रूट हट जाता है, तो 3 × 1/3 - 1, 3 3 कट गया, क्या आ रहा है, 1 - 1 = 0, इस पर 0 आ गया, ठीक है, यानी ये तो आपका शून्य हो गया, ठीक है। अच्छा, उसको अगर देख लेते हैं तथा इस पर चेक कीजिए तो क्या होगा, यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखेंगे, 2√3² - 1, ठीक है, क्या आ जाएगा, 3 × 4/3, 2² 4, और √3 से रूट हट गया, 3 3 कट जाएगा, -1, तो यहाँ पे 4 बच रहा है, 4 में 1 घटेगा, कितना बचेगा, 3, तो यहाँ पे आपका 0 तो नहीं आया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें तो 0 मिला, लेकिन इसमें 0 नहीं मिल रहा है, यानी ये जो वैल्यू है इस पर 0 आ रहा है तो ये शून्य होगा, इस पर 0 नहीं मिल रहा है तो ये शून्य नहीं होगा, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे,
हम लिख देंगे इसी तरीके से कैसा, देयर फोर एक्स बराबर माइनस वन बाई रूट तीन, ये जो पहला मान है ये पी एक्स का शून्य है, जबकि एक्स बराबर दो बटा का रूट तीन पी एक्स का शून्य नहीं है। ठीक है, ऐसा लिख दीजिएगा। ओके अच्छा, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है उसमें बोलता है आप शून्य पता कीजिए। ठीक है, तो शून्य पता करने का तरीका बता दिए थे हम आपको कैसे पता करना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स आपको दिया हुआ है एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप लीजिएगा माना कि पी एक्स बराबर जीरो। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स प्लस पांच का मान क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि पी एक्स आपका एक्स प्लस पांच है। अब यहां से एक्स का मान क्या आ जाएगा, पांच को इधर ले आएंगे तो माइनस पांच। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर एक्स बराबर माइनस पांच क्या है पी एक्स का शून्यक है। तो अगर आपको शून्यक निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको पी एक्स को जीरो करके निकाल लेना है। ठीक है, तो काफी आसान है क्वेश्चन नंबर फोर, बाकी सारा क्वेश्चन आप निकाल लीजिए। ठीक है, काफी इजी है। जैसे मान लीजिए कुछ करना है नहीं ना, अब जैसे मान लीजिए आप इसको जीरो कीजिएगा तो यहां पे एक्स का मान क्या आ जाएगा प्लस पांच, तो एक्स बराबर पांच क्या होगा शून्यक होगा। इसको आप जीरो कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा माइनस फाइव बाई टू, तो वो इसका शून्यक हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको करके कर लीजिए। ठीक है, काफी इजी चैप्टर है और उम्मीद है आप लोगों से काफी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।